हेलो गाइस, मैंने अमेजॉन सॉरी फ्लिपकार्ट के इलेक्ट्रॉनिक सेल से एक फोटोनिक सा एक डिवाइस ऑर्डर किया है। ये वाला ब्लूटूथ डिवाइस है जिसका नाम है फोटोनिक साइटो 12। इसकी मदद से हम अपनी कार में म्यूजिक मोबाइल से म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, एज वेल एज इससे कॉल भी हम रिसीव कर सकते हैं। तो इस डिवाइस को यूएसबी से पावर सप्लाई होती है और इसका एक 3.5 mm का आउटपुट है जो हमारे म्यूजिक सिस्टम में जाता है। तो ये वायर्ड वाला ब्लूटूथ डिवाइस है जो हमारे कार को कनेक्ट हो सकता है। हम अपने घर में भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने म्यूजिक सिस्टम को। इसमें बिल्ट इन माइक है तो आप इससे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए अनबॉक्स करके देखते हैं हमें इसमें क्या क्या मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो यहाँ पे हमें एक माइक मिल रहा है। यहाँ पे एक फोन रिसीव करने के लिए एक बटन मिल रहा है और यहाँ पे एक बास बूस्टेड का एक बटन है जिससे अगर आप म्यूजिक प्ले कर रहे हो तो आपको ये बटन दबाने पे आपके म्यूजिक का बास बूस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3.5 mm जैक मिल रहा है जो इनपुट जैक है, हमारे म्यूजिक सिस्टम को जाएगा। और इस सिस्टम को पावर करने के लिए यूएसबी पोर्ट है जो आपके म्यूजिक सिस्टम के यूएसबी पोर्ट में लगेगा या आपके मोबाइल चार्जर में लगेगा, कार के मोबाइल चार्जर में लगेगा। इसमें बस इतना ही मिलता है सॉरी। और एक यहाँ पे हमें एक वेलक्रो का स्टिकर मिलता है जो हम अपने कार के डैशबोर्ड पे इसे चिपका सकते हैं। इससे वेलक्रो का मतलब आपको एक दिखाता हूँ कैसे होता है। ये आप देख सकते हो इस तरह का वेलक्रो है, दोनों तरफ स्टिकी एडेसिव आता है। इसको आपको कार के डैशबोर्ड पे चिपकाना है और ये जो सॉफ्ट वाला जो है इसको आपको इसके पीछे चिपकाना है। ये देखो यहाँ पे हमें इस तरह के दो पेयर मिल रहे हैं, एक है आप ये दूसरा आपके घर में भी प्लेस कर सकते हैं या आपके डेस्क पे भी प्लेस कर सकते हैं। ये वाला यहाँ पे चिपकेगा सॉफ्ट वाला ऐसे, और ये वाला जो हुक्स का रहता है, छोटे छोटे हुक्स रहते हैं इसमें, ये वाला डैशबोर्ड पे चिपकेगा। तो वायर भी काफी लंबी लग रही है, ये देख सकते हो आप। यहां तक आप इसको वायर को स्प्लिट कर सकते हो, यहां तक ये वायर अभी यहाँ पे जॉइंट वायर है लेकिन आप इसको यहां तक स्प्लिट कर सकते हो ताकि इसकी लंबाई आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार मिले। इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है देखो, एक रजिस्ट्रेशन का एक वारंटी का एक लिफलेट मिल रहा है, एक यूजर गाइड मिल रहा है आपको कैसे कनेक्ट करना है, कैसे ऑपरेट करना है इसके लिए। ये देखो यहाँ पे डैशबोर्ड है और ये पूरा एक यूनिट मिल रहा है। इसका बटन का क्लिक देखिए आप, मतलब दूर से भी एक हाथ से आप मतलब एक उंगली से आप प्रेस कर सकते हो डैशबोर्ड पे चिपकाने के बाद। और यहाँ पे माइक दिया है, इस माइक के ऊपर रबराइज्ड कुशन है, रबराइज मेश है, ये वाली रबर, मैं रबर फील कर रहा हूँ उस पर। ये देखिए हिल रहा है, इसको हाथ नहीं लगाना है आपको। तो अब इसकी प्राइस मुझे कितनी पड़ी, फ्लिपकार्ट पे ये प्रोडक्ट 1000 से लेके 450 या 500 रुपए तक लिस्ट होते रहता है, इसकी प्राइस अप डाउन होते रहते हैं। मैंने फ्लिपकार्ट के इलेक्ट्रॉनिक सेल में 450 को लिया, एक्चुअली इसकी प्राइस थी 475
और 25 कूपन्स जो कॉइन्स थे वो मैंने लगाए, तो वो लगा के मुझे इसकी प्राइस 450 पड़ी, जो सबसे कम प्राइस है इसकी किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे। ज़्यादातर फ्लिपकार्ट पे प्राइजेस अप डाउन मतलब ज़्यादा कम होती है और उतनी बढ़ती भी है। तो मैं रिकमेंड आपको करूँगा कि अगर आपका फ्लिपकार्ट प्लस हो तो आप फ्लिपकार्ट से ही खरीदें। ये कोई ये कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है एक्चुअली। मैं फोटोनिक्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ और उनकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं रिव्यूज़ देख के फोटोनिक्स के मोस्टली फोटोनिक्स के प्रोडक्ट्स बाय करता हूँ। आप दूसरे भी प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पहले रिव्यू देखिए, इंटेंसिव रिव्यू देखिए, 3 4 5 रिव्यू देखिए इसके, और प्रोडक्ट के रिव्यू पे रीड कीजिए क्या क्या इसके मतलब प्लस पॉइंट्स क्या है, निगेटिव पॉइंट्स क्या है, और उसके बाद ही कोई भी प्रोडक्ट खरीद लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। ये मेरा वीडियो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।